हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं और आपको इन्हीं का एक रिव्यू देने वाला हूं, फुल रिव्यू, वो भी काफ़ी दिनों के यूज़ के बाद, ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपको इन्हीं ओप्पो के TWS जो कि है यहां पर ओप्पो के W51, आपको ये TWS ईयरफोन परचेज करना चाहिए कि नहीं। और मैंने इसको लगभग से एक हफ्ते यूज़ किया है। पहले मैं आपको इसकी एक अनबॉक्सिंग दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं अपने कुछ दिनों के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये कुछ दिनों के यूज़ के बाद ये ईयरफोन वाकई में मुझे कैसे लगे। तो पहले आप इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग देखिए, फिर उसके बाद मैं इसका रिव्यू शुरू करता हूँ। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं हूँ महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मैं पहले आपको इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ एक इसका रिव्यू। गाइस, ये है यहाँ पर बॉक्स और इसी में भरा हुआ मिल जाता है हमको यही ओप्पो का W51 ईयरफोन। मैंने इसको अभी तक अनबॉक्स नहीं किया था, मैंने सोचा आपके सामने ही इसको अनबॉक्स करूंगा। ये इसका इनवॉइस वगैरह है, इसमें भरकर ये आया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बॉक्स की पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। ऊपर से प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई है और आपको यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ इसके हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में बताया गया है, जिनको आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया है। और साथ ही साथ ये QI वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बायन्यूरल लो लेटेंसी यहाँ पर दी गई है, ब्लूटूथ और ट्रांसमिशन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, तो सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसकी प्राइस। प्राइस यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तो आपको 6,999 यानी कि 7,000 रुपये देखने को मिल रहा है। बट इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो मुझे 4,899 रुपीज़ लगी है, यानी कि 4900 रुपये का मैंने इसको परचेस किया है। तो अब फटाफट से मैं इसकी अनबॉक्सिंग को यहाँ पर कर लेता हूँ। यह है इसके प्लास्टिक फिल्म को यहाँ से निकालने की, तो ज़्यादा यहाँ पर आपको नाइफ वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, बट सिंपल सा आपको यहाँ से इसके प्लास्टिक फिल्म को निकाल कर फेंक देना होगा। फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये हो गया बॉक्स और इस बॉक्स को मैं यहाँ से अनबॉक्स करता हूँ। तो अनबॉक्स करते ही यहाँ पर हमको सबसे पहले देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर कुछ पुस्तकें देखने को मिल जाती है जो यहाँ पर पढ़ने के काम में आ सकती है। अगर आप ज़्यादा शौकीन हैं इनको पढ़ने के, तो आराम से इनको आप बैठकर पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम इनको साइड में रखते हैं और यहाँ पर अब आ जाते हैं इसी ओप्पो TWS W51 की तरफ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये है ओप्पो का TWS। फिलहाल इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और यहाँ पर अब आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, तो इसकी जो पैकेजिंग है शानदार है, शानदार, जानदार, लाजवाब है। जैसा कि आप नीचे की तरफ देख पाएंगे तो आपको यहाँ पर एक दो सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब दो पाउच यहाँ पर, दोनों पाउच में आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ईयर टिप्स वगैरह दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर दिया गया है एक USB 2 Type-C केबल दिया गया है, जिससे हम इसको यहाँ पर चार्ज कर पाएंगे इसमें यहाँ पर लगा कर। तो अब बारी है इन सभी चीज़ों को साइड में रखने की और इसको दिखाने की कि इसके अंदर वाकई में हमको क्या देखने को मिलता है। बॉक्स कंटेंट को साइड में रखकर अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इसके फिजिकल ओवरव्यू को आपको दिखाने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं इसके पॉलीथीन को यहाँ से हटाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर जो फिनिश मिल रही है वो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टाइप की फिनिश है, यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी मैट फिनिश नहीं दी जा रही है। चमचमाता सा चारों तरफ सा लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका फिजिकल ओवरव्यू अगर आपको दूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं और चारों तरफ से सिर्फ पीछे की तरफ ही आपको USB Type-C का पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप इसको चार्ज कर पाएंगे। और एक LED इंडिकेटर दिया गया है, जिसको आप चार्ज करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो ओपन करते ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका जो लुक है वाकई में मुझे पहली बार में ही बहुत ही पसंद आया। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये है ईयरफोन और एक्चुअली में ये जो ईयरफोन है वाकई में काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। अब यहाँ पर आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, तो आपको यहाँ पर पीछे की तरफ भी माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका जो वेट है मतलब काफ़ी हल्का है, और जब मैंने इसको वेट किया तो ये सिर्फ 8 ग्राम का था।
तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जब हम अपने कानों में इसको वियर करेंगे तो ये ज़रा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख ली होगी आपने इन्हीं TWS वायरलेस ईयरफोन्स की। अब यहाँ पर शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड फील से। तो लुक एंड फील के मामले में ये काफ़ी कंफर्टेबल लगे मुझे। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा इन छोटे छोटे ईयरबड्स की, तो ये काफ़ी लाइट वेट है, यानी कि कुल मिलाकर ये 8 ग्राम के ईयरफोन्स हैं जो काफ़ी लाइट वेट है। आपके कानों में ये अच्छे खासे फिट हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी सी यहाँ पर बहुत थोड़ी सी मुझे कंप्लेन है कि जब मैं इसको अपने कानों में डालता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये मेरे कानों में से गिर जाएगा। बट यहाँ पर इसकी खूबसूरती ये है कि आपके ये कानों में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है और ये ज़रा भी गिरता भी नहीं है। चाहे मैं कितना भी फिट चेक कर लूँ ये ज़रा भी गिरता नहीं है। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा लुक बारे में। ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं और साथ ही साथ ये काफ़ी जो भी कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि रियलमी हो गए या वन प्लस हो गए, उन सब इस प्राइस रेंज में, तो उन सभी से ये काफ़ी मुझे प्रीमियम फील कराता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको ग्रेडियंट फिनिश दी गई है इन दोनों ईयरफोन्स पर, वो काफ़ी एलिगेंट लगती है देखने में। अब चाहे आप दूर से भी कोई देखेगा तो भी उसे काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन लगेगा। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर इसका चूज़ किया गया है। और डिज़ाइन के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि ये दी बेस्ट है। अब यहाँ पर बात करना चाहूँगा कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी सीमलेस है। बस यहाँ पर आपको पेयर करते समय सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जब आप पहली बार पेयर करने लगेंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक होगी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो ईयरबड होना चाहिए वो आपके इन्हीं पाउच के अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ जब यहाँ पर आप इसके इस बटन फिजिकल बटन को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक सफ़ेद कलर की लाइट ग्लो करेगी। तो समझ लीजिए ये आपका पेयरिंग मोड ऑन हो चुका है। और जैसे ही आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये यूज़ के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इनको यूज़ करेंगे तो समझ लीजिए कि जैसे आपने इनको जैसे फिर कभी अगर आपको यूज़ करना हुआ उसी मोबाइल के साथ जिसके साथ आपने इसको पेयर किया होगा, तो सिंपल सा आपको उसमें ब्लूटूथ ऑन करना है, फिर उसके बाद इसको निकाल कर अपने कानों में लगाना है, ये आराम से उनसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरती मुझे लगती है कि यहाँ पर जो भी आपको कनेक्टिविटी मिलती है वो काफ़ी सीमलेस है। तो इसकी जो ब्लूटूथ रेंज है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। काफ़ी अगर आप इसमें 2-3 मीटर भी दूर चले जाएंगे तो भी ये आराम से कनेक्टेड रहेगा आपके डिवाइस के साथ। डिस्कनेक्ट होने का यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं लगा मुझे। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी चार्जिंग और बैटरी के बारे में। बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है। मैंने इसको लगभग से इसे मूवी वगैरह देखे तो मुझे एक मूवी यानी कि अकबर मुझे 2.5 घंटे लगभग से इसमें मैंने मूवी देखे, फिर उसके बाद गाने वगैरह भी सुने, कुछ गेम्स वगैरह भी प्ले किए, तो आराम से ये मुझे 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। ये जो आप इसका बॉक्स देख रहे हैं ये काफ़ी लंबे टाइम में चार्ज होता भले है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। और इसमें काफ़ी इसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसको आप अपने पॉकेट में आराम से फिट कर सकते हैं और ये आपके ईयरबड को 3 बार लगभग 100% चार्ज करके दे देगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ये एक इसकी अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की और कॉलिंग की और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की और लेटेंसी वगैरह की सारी चीज़ों के बारे में, जिसके लिए आपने इस वीडियो में अभी तक इंतज़ार किया है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो ईयरफोन है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर रियलमी के आपको दिखाना चाहूँगा, ये है यहाँ पर रियलमी का बर्ड्स वायरलेस, मैंने इनको भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है और उसी के टक्कर में ये भी काफ़ी अच्छा साउंड मुझे यहाँ पर देता है। यानी कि जो भी आप गाने वगैरह सुनेंगे उसमें आपको अच्छे खासे बेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो भी वोकल्स वगैरह रहेंगे वो भी काफ़ी क्लियर रहते हैं, ट्रबल वगैरह भी काफ़ी बैलेंस है और यहाँ पर डायलॉग्स वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉलिंग की, तो कॉलिंग वगैरह में मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली है। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, जो इस TWS का सबसे बड़ा पार्ट है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इसमें जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है और इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला जेस्चर है वो मुझे थोड़ा सा अब जाकर यूज्ड टू हुआ हूँ मैं उससे, जब मैं उसको
तेजी से टैप करता हूं तब जाकर ये वर्क करता है। तो अब जाकर मुझे समझ में आया कि इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। फिलहाल यहां पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करूं तो अगर मेरे घर में ये सीलिंग फैन है तो उसकी जो आवाज वगैरह रहती है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के अंदर वो काफी दब जाती है, यानी कि ये जो सीलिंग फैन है उसकी आवाज मुझे बहुत ही कंप्रेस हो जाती है, मुझे ऐसा पता ही नहीं चलता कि मेरे अगल बगल कोई फैन वगैरह भी चल रहा है। तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसका एक्चुअली में काम करता है, बट आप ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे एक चीज नोटिस की है, जब इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन रहता है अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में है तो वहां पर आपको बेस वगैरह काफी कम देखने को मिलता है। बट वही बात करें अगर साइलेंट एनवायरनमेंट में अगर आपने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करके रखा है तो वहां पर इसका बेस आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप जब डबल टैप करेंगे लेफ्ट वाले में तो आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑफ और ऑन का दोनों का यहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं लेटेंसी की, तो इसकी जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है और गेमिंग वगैरह में भी ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। मैंने इससे काफ़ी गेमिंग वगैरह भी की और काफ़ी अच्छे से ये काम कर रहा था। इनफैक्ट ये वायर्ड ईयरफोन से थोड़े से, मतलब ये कह सकते हैं कि बस 1-2 इंच का फ़र्क होगा, बाकी ये अच्छे से काम करते हैं। गेमिंग वगैरह में भी आपका ये साथ दे जाएंगे, लेकिन वायर्ड ईयरफोन गेमिंग वगैरह में बेस्ट कहलाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये उसका एक अल्टरनेटिव अच्छे से साबित हो सकता है। फिलहाल इससे आप ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर इसमें आपको जैसे ही आप इसमें म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं तो जैसे ही आप इसको एक कानों में से निकाल देंगे तो ये आराम से म्यूजिक को पॉज कर देगा। तो ये इसमें एक एडिशनल फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं वर्डिट के बारे में। तो वर्डिट के बारे में आपसे बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ये ईयरफोन काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये मुझे ईयरफोन 5000 से नीचे पड़े हैं, यानी कि 100 रुपये का मुझे डिस्काउंट के साथ ये मुझे कुल मिलाकर 4899 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा ईयरफोन है, काफ़ी अच्छा TWS है। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन जो इसका है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसको आप ये मत समझिएगा कि ये गिमिक है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन में दिया गया है तो वो काम करता है अच्छे से। और वहीं बात करें इसमें तो मूवीज़ वगैरह जब आप इसमें एंजॉय करते हैं तो वहाँ पर आपको लिप सिंकिंग का इश्यू नहीं आता है, यानी कि वहाँ पर कुछ गाने बज रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो वहाँ पर डिले आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि क्या आपको ये TWS खरीदना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल खरीदना चाहिए अगर आपका बजट है 5000 रुपये, तो आप इसको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए अगर आप इसको परचेस कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा TWS है। और यहाँ पर मैं आपको अब यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही जल्द कंपेरिजन लेकर आने वाला हूँ वायर्ड ईयरफोन और TWS और ये जो नेक बैंड होते हैं उनके बारे में। आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने को मिलने वाली हैं आगे चलकर इन्हीं ईयरफोन्स पे, तो अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।